वेलकम बैक टू स्टॉक्स पावर यूट्यूब चैनल। तो आज आप हम इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन स्टॉक के बारे में बात करने वाले, यानी कि IRFC लिमिटेड स्टॉक के बारे में बात करने वाले और लेटेस्ट अपडेट यहाँ पे देखेंगे। तो इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन ने आज 21.30 पे क्लोजिंग दी है। यहाँ पे आप देख सकते हो तकरीबन 15 पैसे ऊपर क्लोजिंग दिए, 0.70% की गिरावट देखने को मिले, 15 पैसे की गिरावट देखने को मिले टोटली यहाँ पे इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन स्टॉक के अंदर। तो इंडियन रेलवे फाइनेंस स्टॉक के बाकी के जो डिटेल है उसके ऊपर भी नज़र डालेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि तकरीबन आज प्रीवियस जो क्लोजिंग थी 21.45 थी, आज फ्लैट ओपन हुआ था स्टॉक। ओपन होने के बाद उसी लेवल पे हाई लगा, प्रीवियस क्लोजिंग का रेजिस्टेंस लगा और वहीं से गिरावट देखने को मिली थी। तो देख सकते हैं कि तकरीबन ट्रेडेड वॉल्यूम जो है स्टॉक का, कुल मिला के ट्रेडेड वॉल्यूम जो है 21,38,000 का वॉल्यूम जनरेट हो चुका है यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टॉक के अंदर। और ट्रेडेड वैल्यू जो है वो 455 लाख का ट्रेडेड वैल्यू भी देखने को मिला है स्टॉक के अंदर। तो यहाँ पे सिक्योरिटी वाइज जो डिलीवरी पोजीशन है उसके ऊपर नज़र डालेंगे। तो यहाँ पे देखा जाए तो क्वांटिटी जो ट्रेडेड है कुल मिला के 21 लाख, उसमें से 12 लाख जो है डिलीवरी के लिए जा चुके हैं। मीन्स 56% से 57% तक क्वांटिटी जो है नेक्स्ट डे होल्डिंग यानी कि डिलीवरी के लिए जाते हुए नज़र आ चुके हैं। तो चार्ट के ऊपर भी नज़र डालेंगे यहाँ पे इंडियन रेलवे फाइनेंस स्टॉक के लिए। तो इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन के स्टॉक के ऊपर भी नज़र डाली जाए तो देख सकते इस मंथ में जो 21.5 लेवल जो है मंथली प्यूट लेवल है उसने स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम किया है IRFC स्टॉक के लिए। उस लेवल पे काफ़ी समय से रेजिस्टेंस ले रहा है स्टॉक इस मंथ के स्टार्टिंग से ही, यानी कि देखे जाए तो 2400 मूवमेंट देखने को मिले। और नीचे देख सकते कि 21.15 लेवल जो है सपोर्टिव रैक होती हुई नज़र आ रही है। इनसे दो लेवल के बीच में ट्रेडिंग, जैसे ही ब्रेकआउट मिलता है कौन से भी लेवल के उस साइड तेज़ी देखने को मिल सकती है। तो ये थे लेटेस्ट अपडेट IRFC स्टॉक के लिए।